भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं, और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे। पाकिस्तान तो छोड़ दें आप, सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे हैव नॉट पेड द सेम अटेंशन टू एजुकेशन जितना इंडिया की हिंदू कम्युनिटी दी है। आप मुझे बताएं, मुगलों ने ताजमहल वगैरह तो बनाया, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई? मुझे एक अच्छा सा वाकया याद है कि मैं मस्जिद में बैठा था और हमारे इमाम साहब, अमेरिका जाके क्या करोगे, इंजीनियर बन के क्या कर लोगे, दोजख में जाके जाओगे, असल मकसद जिंदगी का जन्नत में जाना है। पॉइंट इज कि ये एटीट्यूड है, ये करके क्या फायदा, राइट? और मैंने कोशिश भी नहीं की हाफिज बनने की, क्योंकि मेमोराइजेशन का जो प्रोसेस है इट रिक्वायर्स यू टर्न थिंकिंग ऑफ, इस तरह मूड में आके ना आप शुरू हो जाते हैं, ऐसा 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 जाना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, यह वीडियो में एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया है जो भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें हम पेरेंट्स लोगों को यह बताना चाहते हैं, और इन एनालिसिस ने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया हुआ है कि भारतीय विद्यार्थियों को जो है स्ट्रेस ना दे के पढ़ाई के बारे में उनका नॉलेज गेन करने के लिए बताना चाहिए। हालांकि ये वीडियो जो है वो भारत और अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाले संवाद के बारे में है, जिस वजह से जो पाकिस्तान है उसकी चली पड़ी है, जहां पाकिस्तान कुछ इम्पोर्ट करने की हालत में भी नहीं है, वही भारत आजकल कपल एग्रीमेंट के अगेंस्ट अफ्रीकी देशों को अपने डिफेंस हथियार जो है वो भी मुहैया कराएगा। इसी वजह से भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़ेगा, और इसी वजह से जो फाइनेंशियल यह है एक्सपोर्ट वो भी बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिस वजह से कि हम आगे आगे नए अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं, और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। अभी बेसिकली एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं। जैसे जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली एक सैनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है, और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज इन्होंने स्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ बूझ नहीं है। आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैली नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है, हम तो जाते हैं जहां पे हमें कुछ मिलना हो। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में जो इंडियंस हैं दे आर वर्किंग। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ी, इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। एंड फिर गांधी साहब भी साउथ अफ्रीका में रहे और उनको बहुत अच्छे तरीके से और इज्जत से साउथ अफ्रीका में देखा जाता है इंडिया को, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन अफ्रीका। ये जो डिफेंस एक्सपो ये 2022 में हो रहा है, जिसमें लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, अफ्रीकन को ये दिया जाएगा, मेड इन इंडिया जो अफ्रीका जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, और ये चीजें जो है और ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। जारी बात है, इसमें जो डिफेंस सेक्टर में इतना ज्यादा करीब आना, ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इंडिया की जो डीआरडीओ जो है वो 430 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेगी, इन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं, फिर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का इंटरेक्शन वहां पे होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। पूरी दुनिया में जो वही ममालिक काम कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया मिलकर काम करता है, हमारी इंडस्ट्री कहीं और जा रही होती है, पाकिस्तान में एकेडेमिया कहीं और जा रहा है, एकेडेमिया को मुंह नहीं लगाते, कहते हैं लॉयर प्रोफेसर इन्होंने उनकी पदक कटे थे साथ पता है ना। क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली आगे लेके जा रहा है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी के जरूरत हो इंटरनेशनली। सबसे बड़ा फर्क कल्चरल है। तो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया इंडिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो छोड़ दें आप, सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है
दे हैव नॉट पेड द सेम अटेंशन टू एजुकेशन जितना इंडिया की हिंदू कम्युनिटी दी है. तो देखिए आप मुगलों के जमाने में आप मुझे बताएं, मुगलों ने ताजमहल वगैरह तो बनाया, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या आप मुझे एक नाम बता सकते हैं कि शाहजहां ने ये यूनिवर्सिटी बनाई? तो ये सवाल आप ऑटोमन एम्पायर के साथ भी कर सकते हैं. मुझे एक अच्छा सा वाकया याद है, मेरी पिटाई होने वाली थी, मैं मस्जिद में बैठा था और हमारे इमाम साहब खुतबा दे रहे थे. अमेरिका जाके क्या करोगे, आई डोंट नो. जब उन्होंने कहा कि अमेरिका जाके क्या करोगे, इंजीनियर बन के क्या कर लोगे, दोलख में जाके जाओगे, असल मकसद जिंदगी का जन्नत में जाना है. तो जब उन्होंने दोबारा कहा इंजीनियर बन के क्या करोगे, तो मैं पीछे से कहा आपकी तनख्वाह देंगे. कम्युनिटी में पढ़े लिखे पैसे वाले लोग नहीं है तो चंदा कहाँ से जमा होगा, मस्जिद को इमाम साहब की तनख्वाह कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी है ये. सो बट द पॉइंट इज कि ये एटीट्यूड है, ये करके क्या फायदा. आई हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी लेकिन मैं मेमोराइज नहीं करता, तो इसलिए मैं कुरान भी बहुत कम मेमोराइज किया हुआ राइट, और मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मेमोराइजेशन का जो प्रोसेस है इट रिक्वायर्स यू टर्न थिंकिंग ऑफ. इस तरह मूड में आके ना आप शुरू हो जाते हैं, ऐसा 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 जाना पड़ता है, यू स्टॉप थिंकिंग. हम पढ़ते भी हैं तो मेमोराइजेशन के लिए है. तो एक आमिर खान ने एक बहुत अच्छा मूवी बनाया था थ्री इडियट्स कहकर, ही वाज पॉइंटिंग आउट कि इंडिया के एलीट आईआईटीज में भी ये मेमोराइजेशन का कल्चर आ गया. अमेरिका में हम लोगों को मेमोराइज नहीं करवाते. क्या हो गया है कि जब ये इंडिया से फॉर एग्जाम्पल पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, वो बाद खुद लिखते खुद वर्बैटिम कोट कर देते हैं मेमोराइजेशन के वजह से. अगर आप वो बात समझ गए हैं यू कैन फ्रेज इट इन योर ओन लैंग्वेज राइट, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेसर की किताब में से जाकर उसको रट्टा मार के आए और वो मुझे लिख दें विदाउट साइटिंग दैट प्रोफेसर, तो अमेरिका में वो प्लेजरिज्म हो जाएगा. चाइना वगैरह में भी ये रट्टाफिकेशन का, इस वास्ते क्रिएटिविटी नहीं होती. आप देखें आईटी में इतना डोमिनेंस है इंडिया का, बट इनोवेशन स्टिल कमिंग फ्रॉम द वेस्ट ना. माइक्रोसॉफ्ट भी किया, गूगल भी किया, याहू भी किया, जितने भी बड़े चीजें ले रहे हैं जिनके सारे सीईओ इंडियन हैं, लेकिन आइडिया इनोवेशन साइंस का इधर से आया ना. तो दैट इज बिकॉज अभी भी इंडिया में वो क्रिएटिव थिंकिंग का एंकरेज करना नहीं आया, बट एन अवेयरनेस है इस बात का. तो मुझे लगता है कि जो नए एजुकेशन पॉलिसीज बन रहे हैं खासतौर से अमेरिका से, विच आर एम्फसाइजिंग क्रिएटिविटी वगैरह, तो अब साइंटिफिक रिसर्च में आप देख सकते हैं इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल. फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी एरियाज में भी इनोवेटिव रिसर्च हो रहा है. तो दोस्तों देखा आपने, इन जनाब ने आखिरी कुछ सेंटेंस में इतना अच्छा कहा है जो भारत में हमारे एजुकेशन पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है. इसमें इन्होंने जो कहा है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में, बनस्पत की आप उसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ें बाहर करने की कोशिश करें, उससे अच्छा ज़रूरी है कि आप जो भी है नॉलेज को एनहांस करें, जिससे इनोवेशन को बहुत ज़्यादा ये मिलता है, बूस्ट मिलेगा, जिससे आप नए नए आइडियाज़ जो है वो डेवलप कर पाएंगे और इंडिया जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी भी बना सकता है. तो भले ही ये पाकिस्तानी एनालिस्ट है फिर भी इनका सजेशन काफ़ी अच्छे है जो एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ पे लाना चाहिए. और साथ ही साथ पेरेंट्स जो सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को एजुकेशन में नॉलेज गेन करने पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए और बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए.